स्वागत है स्माइली मेरे मामा की शादी में। अरे वाह, कितनी सुंदर सजावट है। हाँ, कितने सारे फूल भी। सजावट तो बहुत सुंदर है। ये गेंदे के फूल माला बनाने में तो काम आते ही हैं, और इनसे हम चाय पत्ती भी बनाते हैं जो हमें स्वस्थ रखती है। अरे वाह, ये देखो गप्पी, ये फूल रूम आंटी के बालों में भी लगा है। इसे चमेली का फूल कहते हैं, है ना रूम आंटी? बिल्कुल सही बच्चों। अरे वाह, पकौड़े की खुशबू आ रही है, चलो खाएं। बच्चों, आपको पता है ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकौड़े बने हैं सूरजमुखी के फूल के तेल से, और उसी तेल में बनती है मेरी पसंदीदा चाट। मधुमक्खियों को अपना शहद भी इसी फूल से मिलता है ना रूम आंटी? बिल्कुल सही बच्चों। ये देखो गप्पी, गुलाब का फूल, मुझे इसकी खुशबू और स्वाद दोनों पसंद है। और मुझे इससे बना रूह अफ़ज़ा। मैंने तो गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम भी लगाया है, देखो खुशबू आ रही है ना? हाँ, आ तो रही है। तुम्हें पता है स्माइली, ये कमल का फूल है और इससे मखाने भी बनते हैं जो हमें ताकत देते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं, गुलाब से गुलाब जल और कमल से तेल भी बनता है जो हम अपने चेहरे और शरीर पर लगाते हैं। अच्छा रूम आंटी, क्या आप भी लगाते हो इन्हें? हाँ बच्चों, मैं भी रोज लगाती हूँ। आज से मैं भी लगाऊंगा इन्हें। दोस्तों, आप भी कुछ फूलों के नाम और उनके फायदों के बारे में सोचकर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताएं।